इनपुट 5 इनपुट 6 आपका ASGNCR HSGNCR। अच्छा ASGNCR HSGNCR AZTR AZTR का इधर नहीं है, इसमें नहीं है, नहीं है। अच्छा अभी एक चीज बताइए, मेरा सिस्टम ओके है, सब चीज ओके है, यहाँ से निकला भी, निकले के निकलने के बाद भी ASCR पिकअप नहीं हो रहा है, हम कहाँ चेक करेंगे? ASCR आपका फाइनली जब सिस्टम क्लियर होने के बाद, जब लाइन क्लियर के लिए जब वोल्टेज देके ASCR पिकअप कराता है ना, तो ASCR बाहर पिकअप नहीं हो रहा है, तो मतलब आप रूट दे दिया, सब कर दिया, सब कर दिया, ASCR मेरा पिकअप नहीं हो रहा है, पिकअप नहीं हो रहा है, ASCR का सर्किट देखना पड़ेगा आपका, तो इंटरनल सर्किट के हिसाब से ASCR क्यों नहीं हो रहा है, फिर यहाँ से आउटपुट मेरा कहाँ जा रहा है? मैं आपका जो ASCR का फीड जाएगा वो आपका 367 और 68 से, वो तो सर्किट में, वो तो सर्किट के हिसाब से देख लेंगे। तो अभी मान लीजिए इसमें फेल्योर क्या क्या आ सकते हैं, नॉर्मल फेल्योर, नॉट फॉर कैन कार्ड डिफेक्टिव, ये बोले नॉर्मल फेल्योर क्या आ सकता है? नॉर्मल फेल्योर आपका रिले हो सकते, रिले कॉन्टैक्ट, रिले कॉन्टैक्ट हो सकते, रिले कॉन्टैक्ट फेल्योर में ले। हाँ। ये कंट्रोल वोल्ट का प्रयोग कब करेंगे, कब कब इसका यूज है? आपका रीसेट करना, अभी मान लीजिए इसको रीसेट करना है सिस्टम को, क्या करेंगे? रीसेट, ये आपका ऑटो रीसेट लगा हुआ है और कुछ प्रॉब्लम नॉर्मली क्या ऑटो रीसेट ही रहेगा? ऑटो रीसेट होगा जब आपका कोई फेल्योर, मानिए एक कार्ड कम्युनिकेशन कार्ड खराब हो गया, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तब आपका ये तीन बार रीसेट लेंगे, ठीक है, तीन बार से ज्यादा नहीं लेंगे, उसका बाद शट डाउन हो जाएगा, तीन बार आपका अटेंड करना पड़ेगा, तीन बार के बाद अटेंड करना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा, बार बार रीसेट लेगा नहीं, नहीं, ठीक है। तो आपका जो फेल्योर एक बार रिसेट से हो जाएगा तो ऑटो रिसेट से ही हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है, और मैनुअल रिसेट करना पड़ेगा, तो ये रिसेट बटन रिसेट करेंगे? हाँ, ऑफ करके ऑन करें या कैसे करें? मैनुअल रिसेट करना है, करिए ऐसे मैनुअल, ऐसा ही, ठीक है, सेट हुआ। अच्छा ओनली दबा दिए तो दबा दिए रिसेट हो गया, काउंटर भी बढ़ गया, काउंटर बढ़ेगा, ठीक है, ठीक है, रिसेट हुआ तो भी देख लीजिए कंट्रोल वोल्टेज एब्सेंट तब आएगा इधर जब। हाँ अच्छा, तो कंट्रोल, इसमें कंट्रोल वोल्ट का एब्सेंट का इंडिकेशन आ गया, कंट्रोल वोल्टेज एब्सेंट, अभी हम कंट्रोल वोल्ट देंगे उसको, नहीं देंगे, जब इधर डिस्प्ले में आएगा तब देंगे। अच्छा हम वेट करेंगे, ये सिस्टम चेक कर रहा है, जब ये मांगेगा उस समय देंगे, बिल्कुल, और जब आपका ऑटो रिसेट होगा, रिसेट ऑटोमेटिक होगा, तब कंट्रोल वोल्टेज भी ऑटोमेटिक लेंगे, ऑटोमेटिक ले लेगा, वो भी दिखा रहा है आपका, अभी आ गया कंट्रोल वोल्ट एब्सेंट, अब हम उसको देंगे, ठीक है, या लिखा है मेजर, मेजर वन माइनर जीरो, अच्छा मेजर वन, ऑटो रिसेट नहीं है, देखिए कुछ गड़बड़ हुआ था मान लीजिए, अब आप दे दिए 500N, क्या बताता है? एरर, एरर कोड, वो ए ए नहीं है, ऑटो रिसेट लिया, ऑटो रिसेट लिया, ले लिया, हाँ, कंट्रोल वोल्टेज भी ऑटोमेटिक लेंगे। क्या है लूप बैक? आपका लूप बैक जब आपका ट्रांस आपका रिसीव में लग जाएगा तब आपका लूप बैक होगा, वायर, हाँ वायर जब अपोजिट होगा, हाँ, तो मतलब आपका ही ट्रांस आपका ही रिसीव का पाथ में आ रहा है तब आपका लूप बैक होगा। नहीं, हम जिस ट्रांस में लगाए वो वायर वहाँ रिसीव में नहीं लग के उसको ट्रांस में लगा दिया, ऐसा कुछ करके कैसे पता चलेगा ये? जब आपका लूप बैक इनेबल, मतलब आपका क्या है, ये आपका वायर है, हाँ, ये हो गया ट्रांस, ये हो गया रिसीव, रिसीव, ठीक है, आपका ट्रांस का दूसरा स्टेशन में जाएगा, दूसरा स्टेशन का रिसीव में जाएगा, वायर आपका दूसरा स्टेशन से आएगा, आएगा, जब आपका ट्रांस और आपका रिसीव दोनों एक साथ में जुड़ जाएगा तब आपका लूप बैक इनेबल। अच्छा तो लूप बैक क्यों करते हैं हम लोग इनेबल? जैसे उसमें था वेब क्या बोलते हैं डेल्ट्रॉन में, उसका एक स्विच टॉगल स्विच था लूप बैक का, देखे सिस्टम में वो 0606 आ गया तो सिस्टम मेरा ओके है, यहाँ इस लूप बैक का क्या मतलब है? नहीं लूप बैक ऐसा, लूप बैक ऑन लिखा आएगा जब आपका लूप बैक हो जाएगा, नहीं मतलब, लूप बैक तो तब होगा ना आपका जो चार तो वो स्विच है, हाँ, जब आपका दोनों तरफ हो जाएगा आपका ट्रांस आपका रिसीव का पाद में ही आ रहा है तब आपका लूप बैक ऑन होगा। वो चांसेस हैं आने का? नहीं अभी तो नहीं, नहीं, नहीं वो कैसे होगा आप प्रैक्टिकल? नहीं, नहीं होगा ना, वही बोल रहा हूँ, नहीं होगा जब आपका इंस्टॉलेशन होगा। इसको देने का कुछ मतलब है आपका, वो कब होगा वो चांसेस एक ही है, या तो क्वाड केबल पूरा का पूरा ट्विस्ट हो गया आपस में, इसीलिए वजह से दिया ना। अच्छा ऐसे नॉर्मली तो उसका कोई चांस नहीं है, चांस नहीं है नॉर्मल आपका कोई कि मेरा ही ट्रांस मेरा ही रिसीव में कनेक्ट होगा, बल्कि मेरा ट्रांस उसका ट्रांस में कनेक्ट हो सकता है उल्टा जोड़ दिया तो, जैसे मेरा ट्रांस जाके उसका रिसीव में लगना है, मैं भी उल्टा कर दिया ट्रांस में लग गया तो हो सकता है, तो इसका कुछ इंडिकेशन आएगा अगर मान लीजिए उधर करेक्शन उल्टा हो गया है तो? नहीं 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 जिधर आपका होगा उधर ही नहीं, जैसे वो ट्रांस वो हमको भेज रहा है वो ट्रांस हम रिसीव में ना लगा के ट्रांस में जोड़ दिए, लिंक ही तो आपका नहीं होगा,
आपका लिंक का लिंक एरर आएगा, नहीं वो तो ठीक है लिंक एरर तो आएगा, लेकिन हमको ऐसा कुछ इंडिकेशन मिलेगा जिससे हमको लगेगा कि नहीं वायर उल्टा जोड़ दिए हैं? नहीं, एक बार ऐसा केस हुआ था चलिए उधर से जो बता डेल्टॉन में, बहुत देर परेशान होने के बाद पता चला कि पैर ही उल्टा जोड़ रहे हैं। अच्छा, ट्रांस को रिसीव की जगह ट्रांस में ही जोड़ दिया जा रहा है, देख रहा है लिंक फेल खत्म ही नहीं हो रहा है, जबकि वो केबल में अगर मार रहा है मेरा केबल तो सही है सही है, हो जाता है कभी कॉरेस्पॉन्डेंस में गड़बड़। तो यहाँ इतना ही सिस्टम है रिमोट में सिर्फ एरर देखने के लिए। एक बार और रिपीट कर देंगे कि हमको जब एरर आएगा रिमोट आरएमटी इंडिकेशन जब आएगा इंडिकेशन आएगा रिमोट बटन प्रेस करके एक्नॉलेज करेंगे, इसमें हमको रिमेट का इंडिकेशन सारा एरर आ जाएगा। अच्छा, उस पीरियड में भी ये देखेंगे क्या सीपीयू ए बी सी ऐसा कुछ? नहीं नहीं नहीं, उसमें कुछ नहीं देखना है। उससे आपका सी कार्ड खराब हो गया तो रिमोट सिस्टम सी फेल, अच्छा सिस्टम बी फेल, सिस्टम ए फेल, आउटपुट फॉल्टी। चलिए तब तो सिस्टम तो बहुत अच्छा लग रहा है। अब पीछे एक बार बता दीजिए, पहले उतने पहले पावर सप्लाई का बताइए, कौन सा मेन आया है, फ्यूज किसका किसका क्या क्या है? ये आपका एमसीबी है, एमसीबी है, ठीक है। ये आपका एसपीडी सर्च प्रोटेक्शन डिवाइस, एसपीडी होगी, ए क्लास, ए बी क्लास ना? हाँ, ये तो बी क्लास, बी क्लास, बी क्लास ही होगा, सी क्लास तो नहीं लग रहा है। नहीं, नहीं। ठीक है, ये हाँ। आपका 8 फ्यूज है, किसके किसके लिए? एक नंबर, एक नंबर आपका पावर का है, ये जो है 16 ए, अच्छा अच्छा ए वाला, मतलब आपका जो पीएसयू कार्ड का, पीएसयू कार्ड का पावर का है एक नंबर, एक नंबर, ठीक है। उसके बाद दो नंबर आपका अलार्म एक्सटेंडर मॉड्यूल, अलार्म एक्सटेंडर ये है, वो पूरा मॉड्यूल का, ये मॉड्यूल। अच्छा, उस मॉड्यूल का मेन फंक्शन क्या है? वो मॉड्यूल आपका बार बार डिस्टर्ब होता है, हमारे यहाँ एक वेब फिल लगा है वो गिर गया नीचे, उठा दीजिए ना, एक्नॉलेज कर दो, हाथ लग गया था। अच्छा ये बताइए आपका जो ये है ना, हाँ, उसका मेन फंक्शन क्या है? एक इंडिकेशन के लिए है वो, ओनली अगर वो डिस्टर्ब होता है तो यूएफएसबीआई में प्रॉब्लम आएगा कुछ? नहीं नहीं, देखिए इंडिकेशन का है वो, हाँ। आपका कुछ प्रॉब्लम है तो लिंक फेल होगा, होगा हो सकता, लिंक फेल होगा क्योंकि लिंक उसके होके आता है, वहां से होके आता है, क्योंकि अभी जो आपका लिंक का इंडिकेशन भी है, एक्चुअली नया लगा था तो बीच में लिंक प्रॉब्लम तो वो आके बदला था आपका ए, हाँ जब आपका ए होगा मतलब क्या बोलते हैं खराब हो गया आपका, दो एक दिन टाइम लग जाएगा आने में, ऐसा कुछ होगा हाँ हाँ। तो आप बाईपास भी कर सकते। अच्छा, प्रोविजन है हाँ, ये वाला जो केबल है हाँ हाँ, ये केबल है टीवी टेन का खोल के डायरेक्ट इधर लगा देंगे तो। अच्छा, टीवी टेन के से वायर जो यहाँ आया वो टीवी टेन के जगह उठा के यहाँ लगा देंगे, ये तीन चार में वो बाईपास हो जाएगा हाँ। अच्छा, एक दो तीन चार में, ठीक है, चलिए ठीक है। कौन बोल रहा है सर? वो ये जो वायर है आएंगे वो टीवी टेन के थ्रू ये वो एसएम पैनल से आके निकल के आया है तो उसको डायरेक्ट यहाँ लगाने से क्या होगा, ये डायरेक्ट पावर कार्ड में चला जाएगा, वो बाईपास हो जाता है। तीन नंबर फ्यूज आपका रीसेट काउंटर का, रीसेट काउंटर, ठीक है। चार नंबर एसएम पैनल का, एसएम पैनल का जो हाँ, सामने जो है हाँ। जी, पांच नंबर लॉजिक सर्किट का, छह नंबर एलएसएस का, एलएसएस सर्किट, सात नंबर एलएफआर सर्किट, और आठ नंबर आपका रिले इंडिकेशन का, रिले इंडिकेशन हाँ, सर्किट का। ये अच्छा, आठ फ्यूज है। अभी एक चीज, इसमें कोई इंडिकेशन है अगर फ्यूज ब्लोन अप का? नहीं नहीं नहीं, हमको कैसे टेस्ट करेंगे फ्यूज के बारे में? दो फ्यूज है हाँ हाँ, निकालो ना एक दो डबल लगा। अच्छा, एक उड़ेगा तो एक रहेगा हाँ। नहीं, स्टैंड बाय मोड नहीं नहीं नहीं, ये आपको चेंज करना पड़ेगा दोनों हाँ। ये ऊपर वाला, ऊपर वाला ये काम का है, अच्छा मतलब कनेक्टेड है, नीचे डमी है, ये आपका स्पीयर। कितना? 500 मिली एम्प्स, ये 4 एम्पियर का, चार एम्पियर का फ्यूज है, का जितने भी फ्यूज हैं सब 4 एम्पियर का है का। तो स्पेयर तो सफिशियंट रखना पड़ेगा फिर, क्योंकि हम लोग के पास तो 600 मिली एम्पियर आता है ग्लास फ्यूज। ये जो फ्यूज है हाँ, 4 एम्पियर 250 वोल्ट, 4 एम्पियर 250 वोल्ट, बहुत हैवी फ्यूज है, वो लिख तो वही रहा है, 4 एम्पियर 250 वोल्ट। अच्छा, वही बोल रहे थे, जैसे मान लीजिए जो रनिंग है, एक स्टैंड बाय लगा है तो रनिंग खराब हुआ उसका कोई इंडिकेशन नहीं आएगा, हमको जो खोल के ही देखना है, सर्किट फेल्योर के हिसाब से टेस्ट करके खोल के ही देखना है। तो ये हमारा इनपुट है, नीचे ऊपर फ्यूज में नीचे ए वाला, ये वाला ऊपर वाला, ऊपर इनपुट है हां, और नीचे आउटपुट है, आउटपुट नीचे से निकल के चला गया आपका इसमें? नहीं, ये लूप है। नहीं, फ्यूज का इनपुट कौन सा है? ए वाला इनपुट है, आउटपुट नीचे ना फिर? हाँ, नीचे नीचे। आपका सिस्टम के साथ वायरिंग तो नीचे ही है ना? सिस्टम का साथ वायरिंग ऊपर है कि नीचे है? ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है, तो फिर तो नीचे होगा हमारा इनपुट।
नहीं, सिस्टम का जो वायरिंग है जी वो आपका ये वाला है, ऊपर वाला, ऊपर वाला है हाँ। तो नीचे वाला आपका एक कॉमन करके दिया है, एक कॉमन करके बाकी को लूप किया है ना, यानी ये इनपुट है, इनपुट है, ऊपर आउटपुट है, आउटपुट है। अच्छा ये निगेटिव है सारा उसका, कॉमन निगेटिव है उसका, सेम है कॉमन, एक निगेटिव दिया लूप, ऊपर से आउटपुट है, ठीक है। इसको जो सिस्टम का, हम तो ओनली एक ही वोल्टेज दे रहे हैं ये वाला, तो बाकी को इसी से लूप है 24, इसी से दे रहे हैं हम, एक ही दे रहे हैं, उसी से अपना लूप है, अलग से हमको कुछ देने का जरूरत नहीं है। चलिए ये हो गया, ये तो वागो टर्मिनल हो गया। चलिए और इसमें कुछ बताइए आप, कुछ है तो। ये आपका मदरबोर्ड है, ये क्या है, मिनिएचर रिले लगा हुआ देखिए, ये वो आपका जो है ना एक नंबर पिकअप है, हमेशा एक नंबर इनपुट पिकअप है, वो इसी रिले। तो ये अच्छा एक नंबर जो पिकअप, ये क्या कौन सा रिले है, मतलब इसका फंक्शन क्या है, इस रिले का क्या फंक्शन है आपका? ये पता एलएफआर रिले है, मिनिएचर रिले जो आप लगाए हैं, ये इसका मेन फंक्शन क्या है, इसको पिकअप रखना है यानी क्या, सिस्टम पावर ऑन के लिए या सिस्टम ओके, क्या देखता है ये? नहीं नहीं, ये आप जब मतलब आपका सिस्टम को हेल्दी चेक कर, अच्छा ये दिख बताएगा कि मेरा सिस्टम हेल्दी है। अच्छा ये तो सिस्टम का सिस्टम हेल्दी है फॉर लाइन के डीआर या जो भी जिस चीज के लिए, तो उसके लिए ये मिनिएचर रिले मेरा पिकअप रहेगा, या फिर ऐसा कि जो नॉर्मल कंडीशन इसको चाहिए, एक नंबर हमेशा पिकअप, मतलब इस रिले को हमेशा पिकअप होना चाहिए, पिकअप मान लिया ड्रॉप है तो हम क्या चेक करेंगे, शटडाउन, सिस्टम शटडाउन होगा ये, अगर ये ड्रॉप होगा तो एक नंबर ड्रॉप हो जाएगा तो आपका शटडाउन होगा। आप ऐसा बताइए ना, जनरली वाइटल कट ऑफ रिले टाइप का, कि इसका पिकअप कॉन्टेक्ट के थ्रू ही सिस्टम को वोल्टेज जा रहा है, ऐसा ही कुछ है तो नहीं, ऐसा भी नहीं है, यानी ये देखो, फिर अगर ये ड्रॉप होने से मेरा सिस्टम शटडाउन हो जा रहा है, यानी कि 24 वोल्ट उसका कट जा रहा है पूरा पावर कार्ड का, तो यानी कि इसका पिकअप कॉन्टेक्ट वो लिया है, हाँ लिया है, पिकअप कॉन्टेक्ट लेके गया है, दैट मीन्स वाइटल कट ऑफ रिले हो गया, कि हमारा सिस्टम चलने के लिए ये रिले पिकअप होना जरूरी है, हाँ सिस्टम चलने के लिए ये रिले पिकअप होना जरूरी है, ठीक है मैं समझ गया, यानी ये जस्ट लाइक है वाइटल कट ऑफ रिले हो गया इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट का, कि ये रिले का पिकअप कॉन्टेक्ट से ही सारा सिस्टम को हेल्दी उन्होंने सिस्टम ऑन रहेगा, ठीक है। और बाकी तो आप बता ही दिए कि ये जो हमारा कम्युनिकेशन आएगा इधर कनेक्ट होगा यहाँ पे, नहीं ये तो हो गया, यहाँ तो कनेक्ट किया हुआ, ये तो नीचे वाला सिस्टम साइड, सिस्टम साइड ऊपर में वाला आपका ट्रांसरिस्टर टी एक्स में दो आर एक्स में दो करके कनेक्ट कर देंगे चला जाएगा, और ये बीच में अर्थ है, बीच में अर्थ तो दिया नहीं, अर्थ तो देना पड़ेगा ना, सिग्नल दिया हुआ है, नहीं अर्थ का वायरिंग तो किया नहीं है, हाँ करना पड़ेगा, एक वायर यहाँ से उठा के कहाँ से लेंगे, नीचे अर्थ पर, अच्छा बोल देता हूँ एक तार जुड़ ही देगा वो लोग, तो ये बोला सरकार वो एक तार जोड़ देगा ग्रीन, और अगर जैसे आप बता रहे थे वो कार्ड गड़बड़ हो गया, तो ये जो वायरिंग है हम यहाँ से उठा के इसको सीधा यहाँ बाईपास करेंगे कि वहाँ से उठा के करेंगे, नहीं नहीं यहाँ से तो आपका जो चैनल दिया होगा, हाँ हाँ, तो इधर कनेक्ट होगा, कनेक्ट होगा, ये इधर से आएगा, ये वाला केबल आएगा, तो ये वाला केबल यही ना उठ के यहाँ गया है, सेम है ना, सेम है, तो हम इसको भी तो दोनों उठा के यहाँ कर सकते हैं, कौन सा उठा के, ये जो ऊपर में इनपुट दे रहे हैं, हाँ ये भी इधर कर सकते हैं, लेकिन वो तो थोड़ा दिक्कत होगा, वो तो दिक्कत तो बात की चीज़ है, ये तो इजी है, ये खोल के तो हमको तो ये पूरा तो लगेगा नहीं, ये चारों लगेगा, अच्छा मैं समझ गया, यहाँ तो कुछ है ही नहीं, इसको खोलना है, इसको लगा देना है, ये थोड़ा छोटा है, ऐसा लगा देंगे तो हो जाएगा, मैं समझ, नहीं सेम ही है ना, ये वाला और ये वाला सेम नहीं है, सेम नहीं है, कितना है देखिए ना, नहीं एक दो तीन चार चार आठ, अभी तो सेम है, सेम है, इसको इसको हम लगा सकते हैं इसी में, ठीक नहीं वो तो खोल लोगे आ जाएगा, मैं समझ गया, तो हमारा वो सिस्टम बाईपास हो जाएगा और लिंक एरर वगैरह का समस्या समाप्त हो जाएगी, खाली इंडिकेशन आपका जो वो छोटा पैनल रहेगा पैनल का जी उसमें इंडिकेशन नहीं होगा, इसमें इंडिकेशन, तो हम ये कैसे जानेंगे कि हमारा वही वाला प्रॉब्लम है, लिंक एरर आ रहा है, आपको टेस्ट करके देखना पड़ेगा, मतलब आपका जब लिंक फेल हो जाएगा, इससे खराब हो जाएगा तो लिंक फेल हो जाएगा, लिंक फेल हो जाएगा, इधर चेक करेंगे तो लिंक है कि नहीं है, मतलब ट्रांस रिसीव हो रहा है, ट्रांस रिसीव पे कुछ एसी वोल्टेज आता होगा ना, हाँ कितना रेंज क्या है, ओपन में आपका 500 के आसपास आएगा मिली वोल्ट एसी मिली वोल्ट, ठीक है, और लोड में आपका क्वाड में हेल्दी कितना चाहिए, क्वाड में आपका 130-140 आपका रिसीव आएगा, ट्रांस जाएगा 250 के आसपास, 250 के आसपास यहाँ से अगर ट्रांस निकलता है और 150 के आसपास अगर रिसीव मिलता है तो मेरा सिस्टम हेल्दी है, उसके बाद भी लिंक नहीं आ रहा है, दैट मींस कि हमारा वो कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ से खोल के यहाँ लगा देंगे तो मेरा आ जाएगा करके, मतलब हाँ मतलब टेस्टिंग के लिए, इधर आपका जो मदरबोर्ड ट्रांस जनरेट कर रहा है कि नहीं है खोल, इधर देख सकते, देख के देख रहे हैं, अब इधर से हो रहा है लेकिन इधर पहुंच नहीं रहा है, इसका बात यही है, बात यही है, ये वाला जो केबल है ये वो टीवी 9 का, टीवी 10 से यहाँ आया, से इधर आया, चलिए ये तो अच्छा है, चलिए इसको जुड़वा देते हैं, कम्युनिकेशन लेते हैं और हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है।